गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जो पीएमटी 06 के थ्रू पेमेंट करना है, उसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो है वो निकल के आई थी। इसके लिए अब जीएसटी पोर्टल ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। वो क्या क्लैरिफिकेशन है और क्या इस क्लैरिफिकेशन के बाद जीएसटी पोर्टल अपनी ही कही बात को इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं, वो देखते हैं। यहां पर मैंने ओपन करा है जो क्लैरिफिकेशन आया है, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय फिक्सम मेथड अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। इसमें इन्होंने बताया है पॉइंट नंबर 3 के अंदर, आप यहां पे देखेंगे, इट इज टू नोट दैट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 21, क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो लगी है कब से, 1 जनवरी 2021 से, तो जनवरी और फरवरी महीने के लिए इन क्वार्टर 4 ऑफ 2021, ये क्वार्टर 4 ऑफ 2021 का पहला दो महीना होगा। द ऑटो पॉपुलेटेड चलान जनरेटेड अंडर 35% चलान वुड कंटेन 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 20 एंड नॉट 35%। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाएंगे और जनवरी महीने की टैक्स का पेमेंट करेंगे, तो वहां पर आपको जो ऑप्शन है, अभी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, वहां पर ऑप्शन आएगा 35% चलान। तो 35% चलान सिलेक्ट करने के बाद भी जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 100%। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है, टिल दिसंबर 2020 ऑल टैक्स पेयर्स वेयर फाइलिंग जीएसटीआर 3B रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस। क्योंकि दिसंबर 2020 तक जितने भी टैक्स पेयर्स थे, सारे के सारे जीएसटीआर 3B जो है वो मंथली बेसिस पे कर रहे थे। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि मंथली बेसिस पे जो कर रहा होगा काम, उसे 100% जमा करना होगा पिछले महीने का। बिल्कुल सही है, यही चीज नोटिफिकेशन नंबर 85 के अंदर दी भी गई है। ऐसे ही कई सारे चेंजेस जो कि क्यूआरएमपी स्कीम के लिए इंप्लीमेंटेड है, आपको समझना जरूरी है। इन सारे चीजों को लेकर के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 14 फरवरी 2021 को, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ पीएमटी 06, आईएफएफ फैसिलिटी, 3B की फाइलिंग के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जीएसटीआर 1 के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है, और क्यूआरएमपी स्कीम के लिए जो रूल्स हैं वो क्या है वो बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे रजिस्ट्रेशन करा करके आप अपने आप को क्यूआरएमपी में वेल वर्स्ड कर सकते हैं। अब देखिए, जो नोटिफिकेशन 85 है वो क्या कहता था, वो कहता था स्पेशल प्रोसीजर एंड स्पेशल मेथड ऑफ पेमेंट फॉर क्यूआरएमपी पर्संस। उसका कहना था कि अगर आप प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि जिस क्वार्टर के पहले महीने के लिए पेमेंट करते हैं, उसके प्रीवियस क्वार्टर में मंथली रिटर्न्स फाइल करते थे, तो आपको जिस क्वार्टर के लिए आप क्यूआरएमपी में चले गए, लेट सपोज जनवरी से लेके मार्च 21 के लिए आप आ गए हैं क्यूआरएमपी में, तो इससे प्रीवियस क्वार्टर हुआ हमारा अक्टूबर टू दिसंबर 20, तो अब जो जनवरी महीने का टैक्स जमा करना है अंडर फिक्सम मेथड, उसके लिए दो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, 35% और 100%। 35% कब, 35% तब जब आप अक्टूबर से दिसंबर 20 के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे होते, और 100% कब, 100% तब जब आप अक्टूबर से लेके दिसंबर क्वार्टर के लिए मंथली जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे होते। तो अब अक्टूबर से दिसंबर तक तो हम लोग मंथली ही फाइल कर रहे थे, तो लॉजिक जो इन्होंने दिया है, रीजन वो दिया है नोटिफिकेशन नंबर 85 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिसंबर महीने में हम लोग जो है वो मंथली ही फाइल कर रहे थे। बिल्कुल सही, इन्होंने लिखा तो सही है। अब आते हैं जीएसटी पोर्टल पे। अब मैं करता हूं जीएसटी पोर्टल को लॉगिन, और जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद चेक करते हैं क्या जो हमने दिसंबर महीने की टैक्स का पेमेंट करा है, वो अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पीएमटी 06 के अंदर आ रहा है 100% या नहीं। अब यहां पर क्रिएट चालान का ऑप्शन है, क्रिएट चालान आप करेंगे तो रीजन फॉर चालान में आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न डालना होगा। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, पीरियड का ऑफ सिलेक्शन दे दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे 35% चालान का ऑप्शन जो है आता है।
इसी के लिए कहा जा रहा था कि 35% आप सिलेक्ट तो करेंगे, लेकिन जनवरी और फरवरी के लिए जो अमाउंट बनेगा वो 35% नहीं बनेगा, वो बनेगा 100% ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश फॉर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। अब इसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल टैक्स जो है दिसंबर महीने में जमा हुआ है 3187, लेकिन चलान अमाउंट अभी भी 35% ही कैलकुलेट कर रहा है। यहां पर 100% अमाउंट जो है वो नहीं लिया जा रहा है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ कि डेटा जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर यह बता रहा है 100% टैक्स जमा होगा। तो क्लेरिफिकेशन के बाद भी अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है कि ये PMT 06 में 35% जमा होगा या फिर 100% जमा होगा। PMT 06 के अंदर ये चीजें होने के बाद आपको एक चीज का ध्यान और रखना है जो आपको बेनिफिट दे सकता है। वो क्या? वो ये कि जब आप नॉर्मल GSTR 3B फाइल करते थे तो जनवरी 21 के अंदर जो लेट फीस आपको लगा करती थी वो लगा करती थी आपके दिसंबर 20 के लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे। अब चूंकि अगर आप QRMP में चले गए तो जनवरी महीने का जो PMT 06 है उसमें दिसंबर 20 की जो रिटर्न लेट होगी उसकी लेट फीस जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है पोर्टल। हो सकता है कि जब आप जनवरी टू मार्च क्वार्टर की GSTR 3B फाइल करें उस टाइम पे लेट फीस ऑफ दिसंबर महीने की जो रिटर्न है उसको लिया जाए। तो ये कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए आपका लेट फीस जो है वो डिले होगा, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि PMT 06 में ऑटोमेटिकली लेट फीस जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये दो चीजें जो है वो आपको PMT 06 से रिलेटेड लाइव होने के बाद समझना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या PMT 06 हर केस में जाएगा? जी नहीं, PMT 06 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टैक्स पेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आपके पास कैश लेजर में बैलेंस है या क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज निल टैक्स लाइबिलिटी, अगर आपकी जो लाइबिलिटी है वो निल टैक्स की है, आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है तो भी आपको PMT 06 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कराई थी तो हमने दिसंबर महीने की एडिशन में यह बताया था कि 35% होगा या 100% होगा, बिल्कुल इंटरप्रिटेशन के साथ कि क्या लैंग्वेज नोटिफिकेशंस में दिया गया है, और वही कंफ्यूजन अब जो है जीएसटी पोर्टल भी क्रिएट कर चुका है। तो अगर आपको मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करानी है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। फरवरी महीने की जो एडिशन होने वाली है हमारी वो बजट स्पेशल रहेगी, जो बजट के अंदर चेंजेस आए हैं उसका इंटरप्रिटेशन आपको इसमें बताया जाएगा अलोंग विद एग्जांपल्स। अगर आपको जीएसटीआर 99C भरने में कोई दिक्कत आ रही है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो 99C है वो एज इट इज है, उसका कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, उसकी लास्ट डेट 28 फरवरी 2021 है, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स लेने के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।